मेरठ। मेरठ दिल्ली से लगभग 74 किलोमीटर की दूरी पर स्थित उत्तर प्रदेश का एक प्राचीन शहर है। ये राज्य का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर भी है, जो बड़े स्तर पर खेल के समान वाद्य यंत्रों का निर्माण करता है। इसका संबंध पौराणिक काल से बताया जाता है। माना जाता है यहाँ महाभारत में उल्लेख हस्तिनापुर स्थल के अवशेष प्राप्त किए गए थे। कहा जाता है कि पांडवों को जलाने के लिए दुर्योधन द्वारा लाक्षा गृह का निर्माण यहीं से करवाया गया था। इसके अलावा कहा जाता है कि यहां अशोक काल के दौरान इस नगर पर बौद्ध धर्म का प्रभाव भी पड़ा था। अंग्रेजों के खिलाफ भारत के सबसे बड़े आंदोलन की शुरुआत मेरठ में 10 मई 1857 को हुई थी। डियर व्यूअर्स, इससे पहले कि आप वीडियो में पूरी तरह से खो जाएं, मेरे चैनल टूर वेदांशिमा को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और नॉलेजफुल वीडियो। मेरठ शहर के 2011 के हिसाब से कुल जनसंख्या की बात की जाए तो 34,43,689 है। वहीं पर अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो 2,559 किलोमीटर स्क्वायर है। इसके साथ यहाँ की साक्षरता की बात की जाए तो 72.84% है और यहाँ के लिंगानुपात की बात की जाए तो 852 है। अगर मेरठ की सबसे मशहूर चीज की बात की जाए तो यहाँ पर नान खटाई देश भर में प्रसिद्ध है। पुराने समय की एक ऐसी चीज जिसका स्वाद समय के साथ बदल रहा है और भी स्वादिष्ट हो रहा है। हिंदू मान्यता के अनुसार मेरठ की स्थापना रावण के ससुर ने की थी। इसे मैदान का खेड़ा कहा जाता था। एक मान्यता के अनुसार माया नामक वास्तुकार ने इसे राजा युधिष्ठिर से प्राप्त किया था। माया के नाम पर इसे मैराष्ट्र कहा जाता था, जो कि वर्तमान में मेरठ के नाम से प्रसिद्ध है। बात मेरठ की हो और नौचंदी मेले का जिक्र न हो कैसे हो सकता है। यहाँ पर ऐतिहासिक नौचंदी मेला हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। हजरत बाले मियाँ की दरगाह पर नौचंदी देवी का मंदिर है, जहाँ पर नौचंदी का मेला लगता है। मेले के दौरान मंदिर में घंटों के साथ अजान की आवाज सांप्रदायिक आध्यात्म की प्रतिध्वनि देती है। यह मेला चैत्र मास के नवरात्रि त्योहार से एक हफ्ते पहले से ही लग जाता है। होली के लगभग एक सप्ताह बाद और एक माह तक चलता है। डियर व्यूअर्स, अब बात करते हैं मेरठ के महत्वपूर्ण मंदिर और पर्यटन स्थलों के बारे में। अवगढ़नाथ मंदिर। अवगढ़नाथ मंदिर मेरठ के प्रसिद्ध मंदिर और पर्यटन स्थलों में गिना जाता है, जिसमें स्वतंत्रता आंदोलन में विशेष रूप से 1857 की क्रांति के दौरान अहम भूमिका निभाई गई थी। औपनिवेशिक काल के दौरान भारतीय सेना को काली पलटन कहा जाता था। चूंकि ये मंदिर सेना बैरक के नजदीक ही थी, इसीलिए इसे काली पलटन मंदिर के नाम से भी संबोधित किया जाता है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। भोलेनाथ से जुड़े होने के कारण यहाँ भक्तों का आना जाना लगा रहता है। अगला जो स्थान, इसे हस्तिनापुर के नाम से जाना जाता है। हस्तिनापुर मेरठ जिले के अंतर्गत एक नगर है, जिसका संबंध पौराणिक काल से बताया जाता है। इस नगर का उल्लेख महाभारत और पुराणों में भी मिलता है। पौराणिक साक्ष्यों के अनुसार ये नगर कुरु साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। गंगा नदी के तट पर स्थित ये नगर भारतीय पौराणिक इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महाभारत काल की कई घटनाएं इस नगर से जुड़ी हैं, जो कौरव भाइयों का जन्म स्थान भी है। यहाँ स्थित द्रौपदी घाट और कर्ण घाट महाभारत की याद को ताजा करते रहते हैं। अगला जो स्थान, इसे सेंट जॉन चर्च के नाम से जाना जाता है। मेरठ में भ्रमण के दौरान आप सेंट जॉन चर्च को भी देख सकते हैं। ये एक प्राचीन चर्च है, जिसका निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1819 में किया गया था। ये उत्तर भारत का सबसे पुराना चर्च है, जिसे नव औपनिवेशिक शैली में बनाया गया है। वो एक ऐतिहासिक स्थल है, जहाँ पर अंग्रेजी और भारतीय कुछ लड़ाइयाँ भी लड़ी गई हैं। अगला जो स्थान, इसे सूरज कुंड के नाम से जाना जाता है। मेरठ के अन्य प्रसिद्ध स्थलों में आप सूरज कुंड की सैर कर सकते हैं। इसका पुराना नाम कुंड है, जिसका निर्माण लवर जवाहरलाल नाम के व्यापारी ने कराया था। पहले ये कुंड अबू नाला के नाम से भरा था, बाद में इसे गंगा नहर पानी से भरा गया। सूरज कुंड कई ऐतिहासिक संरचनाओं से घिरा हुआ है। आप यहाँ पर पास में बाबा मनोहर नाथ मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं, जिसका निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने कराया था।
अगला जो स्थान इसे बाले मियां की दरगाह के नाम से भी जाना जाता है। ये दरगाह एक प्राचीन दरगाह है। इसका निर्माण 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ये दरगाह अपने वार्षिक त्योहार उर्स के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। इस दौरान यहाँ पर दूर दूर से मुस्लिम धर्म के लोग का आगमन होता रहता है। इतिहास के कुछ अलग पहलुओं को जानने के लिए आप यहाँ आ सकते हैं। ये जगह चंडी देवी मंदिर के निकट ही स्थित है। सो डियर व्यूअर्स, इस वीडियो के माध्यम से मैंने मेरठ जिले के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन को कवर करने की कोशिश की है। वीडियो का कौन सा पार्ट ज़्यादा इंटरेस्टिंग था कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि आप प्रदेश के किस जिले या फिर किस शहर में निवास करते हैं। अगर आपको भी आपके शहर, प्रदेश या फिर डिस्ट्रिक्ट का वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिए। और एक जरूरी सूचना, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और जितना हो सके इसको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।